कम करूं मैं तुम्हारी वंदना, मेरी लाज आके तुम रखना। गौतम अर्हत करूं मैं तुम्हारी वंदना, मेरी लाज आके तुम रखना। ना पड़े दिखाई है दान प्रपंच में फंस कर हमने ठोकर सबसे खाई है। ना पड़े दिखाई है दोंग प्रपंच में फंस कर हमने ठोकर सबसे खाई है। डगमग जीवन नैया दिखे नाही कोई खिवैया, डोले डगमग जीवन नैया दिखे नाही कोई खिवैया। पार भव से तुम्ही उतारना, मेरी लाज आके तुम रखना। करूं मैं तुम्हारी वंदना, मेरी लाज आके तुम रखना। Thank you.
जीवन सफल बनाओ मेरे वीर नाए माने मेरो
व्रत है, अधर्म को व्यवहार व्यवहार, धरती पर पाप बड़े भारी, तेरी नागति रहे तेरा सिखना।
तुम भगवान बुद्धि को दीनों शीश नवाए। सर्वप्रथम भगवान बुद्धि को दीनों शीश नवाए।
करने के लिए जा रही हैं। उन्हें देखकर बुद्ध गया में भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए जा रही हैं। उन्हें देखकर चार सखियां तैयार होकर आई और कहने लगी, बहन क्या मुझे महाकारुणिक विश्व के गुरु के दर्शन करने के लिए अपने साथ ले चलोगी? तो कहने लगी, क्यों नहीं, अवश्य चलो। और किस तरह से गीत गाने लगी वह, तुम सुनो सखी मेरी बात, शरण रे नहीं अरे हरि की, तुम सुनो रीना।
सखी मगन अति हो रही मन में अति हर साए। बिना बहन हमारी बैठी मम्मी साथ निभाए, खुशी नीरज भारी तुम सुनो सखी मेरी बात, सरल लगी अरे हती की तुम सुनो सखी मेरी बात, सरल लगी अरे हती की तुम सुनो सखी मेरी बात, सरल लगी अरे हती की तुम सुनो सखी मेरी बात, सरल लगी अरे हती की तुम सुनो सखी मेरी बात, सरल लगी अरे हती की। पीली की बनी हो किनारी, पंच पीली की बनी हो किनारी, महामाया की मूर्त छपा दे पिया गौतम रंगी चादर रंगा दे पिया, डाली छपी हो गोदी बैठ की डाली छपी हो, घूंघट पे अरहत लिखाए रे पिया गौतम रंग चादर रंगाए हो मूर्ति, सजावटी की छपी हो मूर्ति, गीत में राहुल छपा दे पिया बिने ओढ़े न माने हमारो जिया, ज्ञान बताए दे गो पासो मोहे ज्ञान बताए दे, करुणा की बारिश कराए दे पिया बिने ओढ़े न माने हमारो जिया, गौतम रंग चादर रंगाए दे पिया बिने ओढ़े न माने हमारो जिया, गौतम रंग आगे बढ़ के पहुंचा।
गौतम गाड़ी भीड़ में सुमिरन करूं तुम्हार, दल दल दरिया ना फसे सुहाई उतारो पार, सुहाई उतारो पार, करी चिंता की सहाई, डाकू की सुदिलई आपने आई के लाज बचाई। तो कहत जनवेश कुम्हार सदा दीन हितकारी, शिष्यापनो जानिया आज सुदिले हमारी। तपधारी थी परधारी, हाँ तपधारी थी परधारी, मोई आस लगी गौतम भारी। नारी सुजाता पासों में आई, मन भावन को खीर को लाई, हाथ में खीर भरी थाली, हो हाथ में खीर भरी थाली, रात को आस लगी तेरी भारी। गया से चल कर आए, पंच पर की तुमने समझ आए, तीनों ज्ञान उन्हें भारी, तीनों ज्ञान उन्हें भारी, राम यास लगी गौतम भारी। दयाल ने कलम चलाई, अपनी रचना दई दिखाई, देखन में सूरत लगे प्यारी, देखन में सूरत लगे प्यारी, रमो यास लगी गौतम भारी। है जन बेस चरण को चेहरा, तुम बिन पुत कोई नहीं मेरा, आरी तीनों ज्ञान हमें वारी, हाँ तीनों ज्ञान हमें वारी, रहो यास लगी गौतम भारी। दोस्तों, दीपक कैसेट के सौजन्य से लेकर के चल रही हैं सोने की पोटली। एनी लालच बुरी बला है, लालच में फंस कर के मनुष्य कहां से कहां तक पहुंच जाता है, वो कहानी
एक बार भगवान बुद्ध तपस्या करने के बाद में, बुद्ध बनने के बाद में 7 वर्ष के बाद कपिलवस्तु में आई, आई नहीं बल्कि वहां पर ठहरे। कुछ दिन बीत जाने के बाद वहां से चले गए, और जब चले गए तब वहां के सभी नर नारी जन व्याकुल होने लगे, बेचैन होने लगे, सोचने लगे न जाने कहां भगवान गए, कब, जब भगवान चले गए तब। कपिल वस्तु में आकर के जब अरहत वापस चले गए, कपिल वस्तु में आकर के जब अरहत वापस चले गए, कपिल वस्तु से जाते ही नर नारी मन में दुखी हुए, बहुत सुंदर बच्चे, और एक सभा बुलाई उसी समय सभा भवन सब जाते हैं, पहले विचार करते मन में फिर सबसे सलाह मिलाते हैं, उसी समय सभी लोग एकत्र हो गए। एकत्र होने के बाद में विचार बनाने लगे, और जब विचार बनाने लगे तो सभी के विचार एक हो गए, तो एक प्रस्ताव पास हुआ लालू। वो प्रस्ताव क्या है? घर पीछे एक कुम्हार, सुनो सरदार पुत्र ढिंग जावे, पास भव प्रस्ताव रे जब मन ही मन हर सा।